हेलो फ्रेंड्स, मैं साजन और आप देख रहे हैं समाज की खबर हिंदी टीवी न्यूज। मोदी की तानाशाही के खिलाफ लोगों की आवाज, चलिए देखते हैं वीडियो। वो बात करते हैं मोदी जी की, विकास हो रहा है, घंटा कोई विकास नहीं हो रहा है, 1% विकास नहीं हो रहा। जो पिछली सरकारों ने 15-16 सरकारों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी 14 से पहले, और इन्होंने इकलौती सरकार ने 16 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया और विकास दिखाई, 1% नहीं हुआ विकास। और जो कभी नहीं हो पाए ना, वो इन्होंने 9 सालों में इतना कर्जा करिए निकम्मी सरकार ने। बहन बेटियां इनकी, इनके राजभवन नगन अवस्था में घूमती है, नगन अवस्था में घुमाया जाता है शर्माने जी मणिपुर में। और बात करते हैं देश में विकास होता है, हरियाणा में दंगे होते, बीजेपी सरकार वहाँ कंट्रोल क्यों नहीं होता, मध्य प्रदेश में मूत कांड होता है, इनका विधायक होता है बीजेपी का, क्यों नहीं संभालते आपके कहने का। बतौले बाजू की सरकार अब नहीं आने वाली, बतौले बाजू की सरकार, बतौले बाजू से देश नहीं चलता, देश चलता संविधान से, और संविधान के अवॉर्ड कायम करते हैं, संविधान के विरोध बातें करवाते हैं इनके राज्य में। ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा, ऐसी बेईमान सरकार मैंने कभी नहीं देखी। कौन सी अच्छी है विजयी सरकार, क्या किया मोदी जी ने आज तक, एक काम बता दो कर दिया सिवाय घूमने के, और कुछ नहीं किया। पहले कहते हैं मैं 2000 का नोट लाऊंगा तो करप्शन खत्म होगा, फिर कहते हैं मैं 2000 का नोट बंद करूंगा तो करप्शन, आखिर चाहते कि अपनी चित अपनी बट कैसे है? क्या जनता पागल है? कब तक पागल बनाओगे जनता को? आप बेवकूफ बना रहे हो जनता को, लूट रहे हैं अपने 9 सालों के अंदर। हमें देश का वन पढ़ राजा नहीं चाहिए, हमें पढ़ा लिखा राजा चाहिए देश का, जो देश का विकास करे, जिनके नोट करेंसी चेंज कर दे, कहीं नाम चेंज कर दे, कहीं जगह को नाम चेंज मत करो। आप देश का विकास करो, देश को आर्थिक स्थिति सुधारो। आज भुखमरी में 114वें नंबर पर देश अपना। महंगाई करवाई है, फोटो खिंचवाई है, तानाशाही किया है, नोटबंदी उसने 2 बार करवा दी, 2 बार नोटबंदी करवा दी, खाने पीने पे टैक्स लगा दिया, सिलेंडर को 1100-1200 रुपए तक कर दिया, जो बोलता है ईडी में फंसा दिया। किया क्या? G20 के लिए 900 करोड़ का बजट पास आउट हुआ था, ना, और खर्चा कितना करा? 4100 करोड़ रुपए, 41 करोड़ रुपए। यहाँ इंडिया की पब्लिक को पत्तलों में खाने नहीं मिलते, आज भी लोग 20 करोड़ लोग भूखे सोए थे रोडों पे, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको और तो छोड़ी G20 के लिए हरे हरे पर्दे जलवा दिए इन्होंने। आप मैं कह रहा हूँ 9 सालों के अंदर विकास की नहीं, उनकी झुग्गी झोपड़ी से मकान की नहीं बनाए। हम लोगों को सब्सिडी मिल जा करती थी रेलवे की, वो भी खा गए, हमें एक चीज देते थे सीनियर सिटीजन, वो भी उठा ली, सीनियर सिटीजन थी वो भी उठा ली। क्या किया मोदी ने? कुछ भी नहीं किया। भुखमरी आ गई है, पहले चरण पे बेरोजगारी हो रही है, स्टूडेंट लोग आत्महत्या कर लेते, किसान लोग आत्महत्या कर लेते, शर्म आनी चाहिए। और बात करते हैं विकास की, इतना आदमी परेशान हो गया आज के टाइम में, कैसे अपने मैनेज कर रहा है, कैसा घर चला रहा है वो जानता बंदा। और बात करते हैं विकास की, बेवकूफ बना रखा है जनता को, अब नहीं बनने वाली। 2024 में मोदी जी का जाने टाइम आ गया, छुट्टी, चलो। कौन से आपको दिया है? आपको दिया है? सारे गोदी मीडिया वाले आ गए और उसका नाम लिए जा रहे हैं, कोई काम नहीं किया है संसार में उसने आके, कोई काम, बातें ही करते हैं और कुछ नहीं करते, बातों के अलावा उसे कुछ नहीं आता सिवाय बातें ही करते हैं। लाल किले पे बहुत कुछ कह गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके हम जितने परेशान हुए हैं 9 साल के अंदर कभी नहीं। देखो जी, हर चीज की परेशानी है, हमने सेविंग किया करते थे, वो सेविंग खत्म, आज तक कभी सेविंग नहीं हो पा रही है, लड़कियों की शादी के लिए दिक्कत, खाने पाने के लिए दिक्कत, हर चीज में दिक्कत। वो कहावत है ना कि रोटी को पलटोगे नहीं तो वो चल जाएगी, सत्ता को नहीं पलटोगे तानाशाह बन जाएगी। आज तानाशाह बन के काम कर रही है, तानाशाह बन के काम कर रही है निकम्मी सरकार, जो इनके खिलाफ बोले सच्चाई उसको अंदर, 9 सालों के अंदर इतना विनाश हुआ ना देश का। अभी तक पिछली सरकारों के राज में भी दुखी नहीं हुआ था, आदमी अच्छा खाता था, अच्छा कमाता था, पहनना उड़ के बच्चों को पढ़ा लिखा लेता, आज क्या कर पा रहा है? इनका कह रहा है कि महंगाई इतनी कर दो, बंदा अपनी खाने कमाने व्यस्त हो जाए, हमारे खिलाफ क्या आंदोलन करेगा।